अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहन भाइयों से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि पीछे खजूरें आ गए हैं, तो वाकई में असगर भाई के घर हम आ चुके हैं। तो इसलिए आए हैं क्योंकि अम्मी जो है ना हमारे पास आई हुई थी। तो जो मेरी बड़ी बहन है ना, जो असगर भाई की भाभी हो गई, तो वो ना काफ़ी अरसा हो गया है अम्मी को मिलने नहीं गई। लेकिन मैंने कहा कि मैं उसे ले आती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, मैंने उधर जाना है, सब बच्चियों से भी मिलूँगी और अपनी बेटियों से भी मिलूँगी। अभी मैंने इधर 10-15 दिन लगाने हैं, तो इसी वजह से अम्मी को छोड़ना था। तो कार पर हम आए हैं, किराए पर कार की हुई है, तो हमने सोचा कि उधर अम्मी को जो है ना छोड़ के आते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल पे तो आ नहीं सकती अम्मी। तो इसी वजह से हम जो है ना इधर आ गए। छोटी हमारे साथ नहीं है, हुरिया हमारे साथ है, बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, अहमद हसनैन भी। तो असगर और जो मेरी वो असगर भाई की वाइफ होगी मेरी बहन, वो घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं भालपुर में, पता नहीं किधर, अपने जो मेरा भाई है ना बड़ा, उसके घर। तो उनको हमने बताया नहीं था क्योंकि हमने इधर छोड़ के अभी चला जाना है वापसी। तो अभी खाना वगैरह वो दूसरी मेरी बहन बना रही है। तो अभी आप दिन पहले जब हम आए थे ना, तो ये मक्की की फसल जो है ना बहुत छोटी थी, अब जो है ना सीटियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये सामने मौसमी है, मौसमी। आप ही और उसके दोनों बेटे गए हुए हैं, तो तीनों जो है ना असगर भाई की बेटियाँ जो है ना वो घर पे हैं। जो है मैं तो सुनाया ना, उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। वो कहते हैं साकिब जो है बहन ही, हम किसके साथ खेले। ये ना अपना बालू अपने साथ ही लाइए, वो गिर जाओगे नीचे। क्या है गोली है, इधर दिखाओ इधर। ये ना असगर भाई की बेटियों ने चाय वगैरह बनाई है, तो खाना वो वाली आप ही बना रही हैं। तो हमने कहा है कि आप ना बनाए, नहीं, उन्होंने कहा नहीं खाना आप खा के जाएँ और हमारे साथ वीडियो भी बना के जाएँ। तो पिछले दफ़े भी उन्होंने हमारे साथ वीडियो नहीं बनाई थी, हमने कहा था हम आपको मुंह से मुंह पे करवा देते हैं, हमने उनको कहा था। लेकिन उसने कहा था कि मेरा एक टॉपिक होता है, मैं अपनी छोटी वो ना उरैन के साथ वीडियो बनाऊंगी, वो मेरी वीडियो चलेगी, वो अपने तरीके से वो कहती है मैं बनाऊंगी। मैंने कहा चले ठीक है। और सुना बेगम अभी आया है, तो एक तो खड़ी है असगर भाई की, असगर भाई भी नहीं है और जो उसकी वाइफ है वो भी नहीं है, नंद हो गई। तो दूसरी वो सिमरन और वो मेरे नंद घर पर है, हमें पता नहीं चला कि हम उनसे उनको बताते थे तो वो ना जाते। हमने तो अम्मी को छोड़ना तो था ना, अम्मी को छोड़ने के लिए आए थे, वो कहते कि मैं वो सब मुझे मिलने के लिए आए, तो उससे बेहतर है मैं अकेली चली जाऊँ, तो कुछ मेरा दिल भी बहल जाएगा यहाँ पर अपने बेटे के पास। तो हमने कहा कि क्यों ना हम उसे मोटरसाइकिल पर कैसे जाएगी, तो हमने कार करवा कर फिर उसे दे। ये क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है, खज्जा, खजूर वही। आज तो बैग शैग लगाया हुआ, मैडम बनी हुई है किस तरह, मतलब ऐसे करती है। इधर इधर दिखाओ, खोलो, क्या रखा हुआ है, सोना? कुछ भी नहीं है, सोना मेरे पास का, सोना होता तो पहनती ना। किचन में हम आ गए हैं, आप ही ने माशाल्लाह बहुत प्यारा किचन बनवाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप ही ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। पिछली बार आपने खुद ही वीडियो नहीं बनाई थी ना? आपको पता है फिर हमें सवाल जवाब देने पड़ते हैं, क्यों नहीं बनाई आप? तो आज जो है ना फिर अचानक से ही मामू और मामानी जो है वो हमारे घर आ गए हैं, तो मैं आज इनके साथ वीडियो अपने चैनल में भी बनाऊंगी और वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह वीडियो जो है बना रहे हैं। तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए हमने देख सकते हैं आप लोग भी काफ़ी सारे सामान भी मंगवाया हुआ है, तो भी जो है ना खाना वगैरह बना रहे हैं। हमने तो रोका है, हमने कहा हम घर चलते हैं छोड़ करने, उन्होंने कहा कि नहीं खाना खा कर फिर जाए। तो पहली बार हम जो है ना आप लोग को खाना खिला रहे, नहीं तो जब भी आते हैं चाचा से घर खाना खा, आज नहीं है ना वो बात नहीं, आपके घर तो हम खाते हैं ना वो समोसे वगैरह, लेके नहीं आते। वो तो वीडियो में नहीं शेयर करते, मैं तो खाती हूँ उनके साथ। खाना तो मुमान जो है वो सुबह नाश्ता भी करती हैं, तो मक्खन होता है ऐसे आपके पास, मक्खन होता है? नहीं मक्खन नहीं, तो वैसे दूध वाली चाय होती है ना, तो फिर वो कहते हैं कि मैं इधर ही नाश्ता करूँ। अच्छा, तो हमारी भी आई हुई है और
माशा अल्लाह आप तक आप किचन दौड़ा सोना बन गया है। अंदर से भी दिखा दें। हाँ अंदर भी दिखाते हैं आपको। अभी इसको कलर नहीं, अकेले खा गई आपके पुरिया। ये हम केले लेके आए थे सबके लिए, तो ये आपकी फूफो के पड़े हैं हुरिया, आपकी फूफो ने नहीं खाए। ये अभी जो है चाय हम गरम करके चाय पीते हैं। ये इसे तो रख दे साथ लेके फिर रही है। ये बच्चे उठाते हैं ना। अच्छा। खराब करते हैं। क्या करते हो इसको ऐसे चलाना पड़ता है। अब चलो ये लगेगी नहीं, ये नहीं लगेगी, इसको ऐसे राउंड कर दो नीचे। मेरा है नहीं, मैं क्या करूं, मुझे चलाना मिल गया था। चलाना है, पता ही नहीं है आपको चलाने का। चल जाता है, इसने पता नहीं क्या किया था। डर गई है, बेगम डर गई है। हमने तो सिंपल वाला जो गैस है ना, हमारे पास वो है ना, तो इस पर तो मुझे पता नहीं चलता ना कैसे बनाया जाता है। तो पहले जो चाय बनाई थी मेहमानों के लिए, तो अभी लेना, फिर दोबारा ये होता है पापा। मैंने कहा आप सबसे बड़े यूट्यूबर थे, तो आपने अभी तक गैस चूल्हा नहीं लिया। ले लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर किसी को दे, हम तो दुआ करते हैं। तो ये इनका कोई कमाने वाला नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये इन्होंने चैनल बनाया, तो शुक्र है। बहुत ज्यादा आपने इतने अपने अम्मी अब्बू की मदद की है, तो अल्लाह ताला आगे भी बहुत ज्यादा दे, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे जी। तो हम तो दुआ करते हैं। चलो चाय पियो अभी। और मैडम जी ठीक हो? ठीक है। अभी जो है ना इसको क्या कर रही है, बोनी? हाँ। अच्छी तरह है? सुल्केनी पे? हाँ। बेगम बहुत खुश हो जाती है इधर आती है, अम्मी के घर जाती है बहुत खुश हो जाती है। जब मेरे घर होती है फिर इसका मुंह देखा करो आप, अकेली हो जाते ना, फिर क्या करें। आपको पता है मेरे पास कौन आता है मेरे घर? यहाँ तो बच्चे हैं, इनके साथ मजाक करती हूँ ना, फिर हंसते हैं वो भी। मैं ये आप लकड़ी आपने मोल ली है? हाँ जी हाँ, विराट है। हाँ विराट निक है, कोई देना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ साले साहब सॉरी। तो ये अचानक आए हैं, बताया भी नहीं पहले, इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, और तकरीबन 2:15 बजे मेरे ख्याल में पहुंचे हैं ये। जी जी। तो अभी हम इनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं इनका कि ये हमारे पास आ जाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। नहीं, वो तो मेहमान की मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों या कोई भी हो। और तबीयत क्या ठीक है आपकी? नहीं बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। अब तो गर्मी ज़्यादा नहीं है इतना? नहीं, गर्मी भी बिल्कुल कम हो गई है अभी तो। जब पिछली दफ़ा मैं थे ना उस दिन गर्मी थी। हाँ तो वो भी अभी 8-10 दिन ही हुए हैं। हाँ 10 दिन हुए। और अगर अब तकरीबन आगे 8-10 दिन बाद तो फिर और भी मौसम ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। आपका ये अब बहुत पसंद आया मुझे, ये सही बन गया अब किचन। ये साल तो इंशाल्लाह अंदर बैठ के खाना खाएंगे इंशाल्लाह। पिछले साल मेरे ख्याल में हम उस कमरे में थे, लेकिन उससे पहले तकरीबन 15-20 साल तो हमने बाहर ही सर्दियों में खाना पकाया है। बस अल्लाह पाक का की मेहरबानी है। हाँ। हमें इस मकाम तक हमें पहुँचाया है, अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं। हाँ माशाल्लाह से खाना आ गया, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं। तो आप ही ने बहुत ज़्यादा जाना जल्दी खाना बना दिया है, खाना खा के फिर हम चलते हैं, क्योंकि छोटी भी घर है और ड्राइवर भी ज़्यादा वेट नहीं करेगा। मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्रिया। आपसे चाहेंगे ज़्यादा, ठीक है फिर आना हमारे घर। अभी तो अम्मी आपके पास है। हाँ फिर ठीक, इंशाल्लाह हमारा वो इधर साथ में लग रहा है सोलर पैनल, चक्की लग रही है, तो वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम दावत करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आएंगे। हाँ, सब फैमिली आएंगे, फिर भी साथ। हाँ, हाँ, सबको बुलाएंगे। पहले आपने दावत की थी तो आए थे इकट्ठे, फिर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।